हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले पोनियन सिल्वान की, मतलब PS1 मूवी जो तमिल मूवी रिलीज़ होने वाली है, हिंदी भाषा में, तेलुगु भाषा में, मेरे ख्याल तीन चार भाषा में रिलीज़ होने वाली है और बिग बजट मूवी है। बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 30 सितंबर को ये रिलीज़ होने वाली है और ये राइटर कल्कि की किताब पोनियन सिल्वान द न्यू टाइड पार्ट 1 इस पर आधारित है मेरे ख्याल से। और ये इसके 5 पार्ट है और ये किताब तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है, मतलब तमिलनाडु के लोग इसको कॉमिक्स में या अलग अलग तरीके से पढ़ते आ रहे और उनको ज़्यादा पता है इस कहानी के बारे में। आप अगर नॉर्थ के हो, महाराष्ट्र के हो, तो उनको आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? क्योंकि ये किताब इतनी फेमस है, तभी तो मणिरत्न जी ने तय किया कि इस पर मूवी बन सकती है और इस मूवी को ऑब्वियसली बाहुबली से कंपेयर किया जाएगा। क्या ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी? मेरे ख्याल से तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब मैंने थोड़े चार पांच मतलब पेजेस पढ़े और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जो इंग्लिश ट्रांसलेटर है, इनका नाम, राइटर का नाम आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे और बुक का कवर भी, तो उन्होंने ख्याल रखा कि जिस तरह तमिल जो रीडर्स होते हैं उनको आनंद आया था, जैसा इंग्लिश रीडर्स को भी आए। तो इंग्लिश में, हिंदी में है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में गूगल प्ले पे अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं। और मैंने पढ़ना चालू भी किया है और थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर, उनके नाम तमिल में, अभी हिस्ट्री पे आधारित है, तो इसको ट्रांसलेट करते वक्त जब मूवी में इसको बनाया जाएगा तो स्क्रिप्ट वापस लिखी जाती है। और वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बुक अलग होता है और स्क्रिप्ट अलग होती है, अलग तरीके से लिखी जाती है। उनके सामने चैलेंज होगा कि जो ऑडियंस तमिल नहीं है उनको आसानी से समझ में आए, क्योंकि इसमें जो नाम है काफ़ी मुश्किल है याद रखना हमारे लिए जो तमिल नहीं है। काफ़ी अलग नाम है, काफ़ी सुंदर नाम है, लेकिन हम ऐसे नाम सुनते नहीं है, तो थोड़ा मुझे अलग नाम लगे जगह के और कैरेक्टर्स के। बहुत सारे कैरेक्टर्स में, अभी मूवी में कितने कैरेक्टर्स वो रखने वाले हैं, क्योंकि मूवी में जब 3 घंटे की मूवी बनती तो वो तो अलग तरीके से बनाए जाते, तो बुक में और मूवी में क्या अंतर रहेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं हमेशा बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कोई भी मूवी अगर बनने वाली हो किसी बुक पे आधारित, तो बुक मैं पहले पढ़ता हूँ, बाद में मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। फिर बाद में बात करेंगे बुक इंटरेस्टिंग है या मूवी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बिग बजट मूवी है, बहुत उस पर खर्चा हुआ है। और एक्चुअली चूल्हा जैसे ट्रेलर में दिखाई पड़ता है कि जैसे बड़े बड़े जहाज दिखाए हैं, तो जो तो चूल्हा डायनेस्टी थी जिस पे ये हिस्ट्री, जिनकी हिस्ट्री है, उनके पास एक्चुअल में इतने बड़े बड़े जहाज थे, उनकी नेवी काफी मजबूत थी। तो सिर्फ एक ही चीज का डर है कि मूवी में जो मतलब जब ये हिंदी में बनेगी तो लोगों को नाम याद रहने चाहिए, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और स्क्रिप्ट आसान होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और जैसे कि पहले बाहुबली जब मूवी रिलीज होते, बहुत बोला यार तूने बाहुबली देखी है, बाहुबली देखी है, लेकिन इन बाहुबली मूवी पे मुझे थोड़ा ग्लैडिएटर और जो ट्रॉय मूवी जो हॉलीवुड का थोड़ा प्रभाव लगा, तो वैसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब हमारे हिस्ट्री के बारे में हम मूवी बनाते तो हमारे तरीके से वो बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो बोलेगा मनी, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, और ये जो मूवी मेकर से उनको बोला बेस्ट ऑफ लक, ये मूवी काफ़ी ही हिट होनी चाहिए, ऑस्कर में जानी चाहिए और ऐसी मूवी बहुत सारी बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाय गॉड, ये मूवी रिलीज हुआ है, हिंदी गाने और तमिल गाने दोनों मैंने सुने, और एक ए आर रहमान जी का लाइव इसका गाना उन्होंने गाया है, तो वो भी मैं नीचे लिंक कर देता हूँ, आप ज़रूर सुनना, गाने ज़बरदस्त हैं। तो ये और किताब ज़रूर पढ़ना अगर आप रीडर हो तो, क्योंकि ये मशहूर किताब पे आधारित है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड, मैंने परचेस कर लिए बुक, कुछ पेजेस भी पढ़ना, और चैलेंज ये रहेगा कि
30 सितंबर से पहले मुझे पूरी करनी है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो इसको पूरा करना मैं करूँगा ज़रूर। ओके, तो इतना ही बता दो ये वीडियो में, आप जाके बुक्स पढ़ना या गाने सुनना, जो भी करना, हैप्पी रीडिंग, सॉन्ग्स एंजॉय करो, बाद में मूवी ज़रूर देखना। ओके, बाय।